Apple's worth ₹2400 crore in the Kashmir Valley are on the brink of losing their market, with traders claiming that cheaper Iranian apples have flooded the Indian markets, leading to a sharp decline in demand and prices of high-quality Kashmiri apples. Iranian apples first arrived last year, following which the fruit associations and growers protested. Band karo, band karo. Iran se band karo. Bachao, bachao. Fruit industry ko bachao. Worth over 8,000 crore, Kashmir's apple industry is considered the backbone of the region's economy, with over 30 lakh people directly or indirectly involved in the business. फ्रूट इंडस्ट्री का बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। पिछले 5-6 सालों से जो अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। अब इस साल उम्मीद थी 2021 में कि कम से कम इस साल से एप्पल कम था, लेकिन साफ था, कोई स्केब नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन बदकिस्मती आज दो महीने पहले जो ईरान एंड एप्पल विदाउट टैक्स इंडिया में आता है, उससे हमको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। क्योंकि ईरान पर सेंक्शंस लगी हैं, वो किसी और मुल्क में नहीं जा पाता है, तो यहाँ उन्होंने किया इंडिया की तरफ रुख। पूरे इंडिया की जितनी भी मंडियाँ हैं उनमें जो ईरान का सेब आ रहा है ये बिल्कुल इल्लीगल तरीके से यहाँ आ रहा है। इस पर कोई कस्टम ड्यूटी जो है, मतलब जो इस पे टैक्स वगैरह जो है, वो बिल्कुल इस पे लगते नहीं हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो ये क्रेटों में आ रहा है। एक क्रेट में तकरीबन 10 केजी एप्पल्स होते हैं, तो ये 550 से लेके 600 तक ये यहाँ के मार्केटों में इसकी सेल होती है। तो उसकी वजह से यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका बिल्कुल बुरा असर हमारे ऊपर, ये जो हमारा कश्मीर का सेब है इस पर पूरा बुरा असर पड़ रहा है। ये जो एप्पल इंडस्ट्री है, दिस इज़ बैकबोन ऑफ दिस पीपल ऑफ कश्मीर, जिससे यहाँ की इकनॉमी चलती है। हालात की वजह से ये इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री ने बहुत मार झेली है, लेकिन अब इसी उम्मीद पर मुझे लग रहा है कि यहाँ का सिस्टम चलता था। इन दिनों पिछले करीबन एक महीने से बल्लकांट में इन मंडियों में उसकी आमदनी शुरू हो गई, तो उस वजह से कश्मीरी एप्पल के एक तो डिमांड ख़त्म हो गई और ऑलमोस्ट 50% रेट्स डाउन हो गई। इस वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है इस वक्त, और अगर खुदा ने खासा ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे जो सी स्टोर में माल है उस पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। देख लीजिए, इसमें एक ही इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ ग्रोवर है, डीलर है, और जो छोटे छोटे इसमें इन्वॉल्व है, छोटे छोटे बागात के जो मालिक है, वो भी इसी उम्मीद पर ये बिजनेस करते हैं, इस ट्रेड में है, ताकि उनको कुछ रोज़ ये ज़िंदगी गुजारने का कुछ मतलब ज़रिया मिले। लेकिन ये ज़रिया ही उनसे छीना जा रहा है, तो आप बताइए क्या होगा। यहाँ आप देखिए, हमारे जो ये जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, 70-80% जो इसकी हमारे कश्मीर की जो इकॉनमी है वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। कश्मीर का जो एप्पल है ये करीबन 12-13 महीने कंटिन्यूसली चलता रहता है राउंड द ईयर, और यहाँ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ग्रोवर्स इसी पर करीबन 70% जो लोग जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री पर इनसार करते हैं। मोर देन 1.5 करोड़ बॉक्सेस ऑफ एप्पल पेटीज, जिसको हम पेटी कहते बॉक्सेस, तो और लाइंग विद इन आवर वैली। ये तो सिर्फ कोल्ड स्टोर की बात है, जो बाकी जो जैसे हमारी, आप यहाँ मैं आपको अभी ले जाऊँगा सपोर्टर्स पर, आप देख लीजिए, तो हालात अबतर हो रहे हैं, और इतने अबतर हो रहे हैं कि इस ट्रेड से वाबस्ता लोग, मुझे लग रहा है कि वो खुदकुशी करने पर आमादा हो गए। एप्पल फार्मर्स इन कश्मीर आर डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बार द ईरानियन एप्पल्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्रीज मार्केट, और एट लीस्ट इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज सो दैट देयर इज सम रिस्पाइट फॉर डोमेस्टिक एप्पल प्रोड्यूसर्स।
हमने इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक महीने पहले ही लिखा था, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अभी उस पर उन्होंने कोई अमली कार्रवाई तो की नहीं। फिर इसके बाद हमने यहाँ सिटे जो हमारी यूटी की गवर्नमेंट एलजी साहब है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारे एडवाइज़र साहब है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उनको भी लिखा, बल्कि हमने प्राइम मिनिस्टर को भी इस बारे में एक दर्दमना अपील की थी कि अगर ईरान का अपुल आता रहेगा हिंदुस्तान की मंडी में तो अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है कश्मीर की हार्टिकल्चर की, और ये कश्मीर की बात ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड की भी इस बुरे असरात पड़ेंगे। जो ये ईरान का जो अरेवल है थ्रू ये वागा से वो अफगानिस्तान आता है, ये बिल्कुल अनलॉफुली एंड इलीगली यहाँ पे आता है। अगर इस पे ये एक्साइज ये कस्टम ड्यूटी अगर ये इस पे बढ़ाएंगे, ड्यूटी इस पे लगाएंगे, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये भी इसका रेट भी ज़्यादा हो जाएगा और जो हिंदुस्तान की जितनी भी मंडियों में जो कस्टमर्स खरीदार हैं तो ये उनको भी ये महंगा हो जाएगा। मतलब इनको ये 55 रुपये किलो मिलता है, तो अगर इस पर ड्यूटी लग जाए, एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये उनको 85-90 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारे सेब को जो ये स्टोर में है, हमारा यहाँ सेब है, उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, उसकी जो मार्केटिंग होगी वो बिल्कुल सही तरीके से होगी। प्रधानमंत्री साहब का भी एक नारा है कि स्वदेशी, तो पहले हमें अपने लोगों का देखना है कि ये जो ट्रेड है एप्पल ट्रेड का, हमारे पास इनफ स्टॉक है और हमें एप्पल इस तादाद में है कि हम पूरे कंट्री के हर एक हिस्से तक हम पहुंचा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द मार्केट। तो इसलिए मेरी मौदिबाना गुजारिश है अथॉरिटीज़ से और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री साहब से कि वो इस इशू की तरफ थोड़ा ध्यान दे, और ये जो क्राइसिस हो गए है इससे जो नुकसानात कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के फ्रूट डीलर्स या ग्रोवर्स को होने जा रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री साहब इस बला से नजात दिलाए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इस पर टैक्स लगना चाहिए ताकि हमारे एप्पल का मार्केट सही रहेगा। गवर्नमेंट का मोटिव अगर यह है कि जो हिंदुस्तान की चीज़ें हमें वही कपड़े भी पहनने चाहिए, वो फ्रूट भी खाना चाहिए, वही बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो फिर इसमें दूसरा रास्ता उन्होंने क्यों इख्तियार किया। अब ये गुजारिश है कि इस ईरान के जो सेब आ रहे हैं, या तो इस पर बैन कीजिए या इस पर 100% कस्टम ड्यूटी आप बिल्कुल आयद कीजिए, ताकि हमारा जो अभी यहाँ जो स्टोरों में माल है, यहाँ गोदामों में माल है, उसका सही रेट मिलेगा।